पिछले 7 सालों से घर के इंतजार में बैठे आम्रपाली के खरीदारों का सब्र का बांध टूटने लगा है। सभी घर खरीदारों का गुस्सा फूटा आम्रपाली के सेक्टर 62 स्थित दफ्तर पर। आपको बता दें कि आम्रपाली के 13 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम रुका पड़ा है और कई अन्य प्रोजेक्ट हैं जिन पर अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ है। पिछले कुछ महीनों में घर खरीदारों और आम्रपाली बायर्स के बीच नोएडा अथॉरिटी ने मीटिंग्स कराई ताकि इस समस्या का समाधान निकल सके, मगर आज की तारीख में लोग ना तो घर के हैं और ना ही घाट के। लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाने वाले आम्रपाली के सीईओ अनिल शर्मा किसी से बात करने को तैयार नहीं और लोगों में गुस्सा किस कदर है ये आप खुद ही देखिए। ये बिल्कुल जो भी बोल रहे हैं अनिल शर्मा टीवी पर, अनिल शर्मा ने जो नोएडा अथॉरिटी बोला है, सब सारी फ्रॉड स्टोरीज हैं और हम आने वाले 10 दिनों में आम्रपाली को घेर के, अगर आम्रपाली हमको 15 दिन में नहीं बताता है कि मकान कब मिलेंगे, हम परिवार सहित मैं खुद यही रहूंगा इसके ऑफिस के अंदर। मैं ये बता के आज जा रहा हूँ यहाँ से। हम आम्रपाली भागेगी तो हम योगी से और नोएडा अथॉरिटी से बोलेंगे आप फ्लैट बना के दो, हमारे पैसे हमने दे रखे हैं। क्योंकि जब जमीन का आवंटन हुआ था तो नोएडा अथॉरिटी ने दलाली की थी आम्रपाली के लिए कि जमीन कितनी मिलेगी, सस्ती मिलेगी, महंगी मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि जब सरकार जमीन दिलाने में दलाली कर सकती है तो फ्लैट दिलाने में लोगों के साथ सरकार क्यों नहीं खड़ी हो सकती। मेरा 2009 पेमेंट कर चुका मैं, 39 अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है और मैं बहुत परेशान हूँ। हम लोगों को रेंट में भी रहना पड़ रहा है, उसका भी पैसा देना पड़ रहा है और यहाँ पे फ्लैट भी नहीं मिला। बैंक ने पूरा पैसा दे दिया, हम लोगों से पूरा पैसा ले गया। बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली, उसका सर्विस से पैसा काट के देना पड़ता है, बट कुछ भी है नहीं। पूरा पैसा इन लोगों ने ले लिया, ना फ्लैट हैंड ओवर किया। हम लोगों को रेंट में भी रहना पड़ रहा है और पैसा भी लिया। खड्डा दिखा करके इन्होंने बुकिंग करा लिया, 15 लाख रुपए दे चुके हैं, अभी वहाँ पर खड्डा हो गया, 2 साल हो गए। इन्होंने पुराने प्रोजेक्ट पड़े हुए थे, सारा नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने की नहीं क्या जरूरत थी। और हर से ये जानना चाहता हूँ कि आज की डेट में रेरा को डाइल्यूट करने के लिए बड़ी मेहनत की जा रही है। हाँ। कि फ्लैट बायर को फ्लैट दिलाने के लिए मेहनत नहीं कर सकती योगी सरकार, सेल्फ प्रोक्लेम्ड सरकार है जो टीवी पे दिखाती है 100 दिन में मैंने ये कर दिया। ग्राउंड पे 0% नहीं किया। गाय को खचारा खिला सकते है, मेरे जैसे बंदे को एक फ्लैट नहीं दिला सकते जबकि मैंने तो पैसा भी दिया हुआ है। 4 टॉवर हैंड ओवर कर सकते थे लेकिन इनकी नीयत में खोट है, ये नहीं करना चाहते। अब आप ये बताइए कि आप लोग, ये लोग, ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम लोग खुद अपना टेक ओवर कर लें। हमें मालूम है फ्लैट हमारा कौन सा, हम जाकर बैठ जाते, घुस जाते, अपना करना काम शुरू कर देते। कब तक इंतजार कर रहे हैं सर? पेशेंस हमारे टूट चुके हैं सर। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि सरकार के अथॉरिटी और आम्रपाली सभी के खिलाफ लोगों में पूर्ण रूप से नाराजगी है। लोग बेहद गुस्सा है और इस समय सभी लोग आम्रपाली के सेक्टर 62 स्थित ऑफिस पर जुटे हैं। अब ये बात देखने की है कि सरकार इतना कुछ होने के बाद भी क्या इस बात का इंतजार करेगी कि आम्रपाली का मालिक अनिल शर्मा देश से फरार हो जाए या वो भी अपने आप को दिवालिया घोषित करके इन लोगों को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दे।